नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, दिस इज सीए संकल्प कांस्टिया। याद रखना, कोई तुमको तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। यस, यस्टरडेज पेपर वाज डिफिकल्ट एंड लेंथी अनडाउटेडली। अब अनफॉर्चुनेटली अपने जो बेंचमार्क्स है, अपन ने क्या सोच के रखा है कि अगर मॉड्यूल या फिर आरटीपी में से पेपर नहीं आया तो वो पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवेज, दैट्स हाउ द ट्रेंड गोज। यस, उस हिसाब से पेपर डिफिकल्ट था। मैंने जब फर्स्ट टाइम पेपर देखा, अराउंड 5:10, 5:15 तक मैंने पेपर देखा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन आया कि यस, पेपर्स लेंथ इज वेरी वेरी लेंथी, तो मेरे को एकदम फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा। एंड कुछ भी ऐसा मुझे एकदम नहीं दिखा कि अरे यार, ये तो एकदम स्टडी मटेरियल से उठा है। थे कुछ क्वेश्चन थे ऐसे, बट शायद प्राइम ऑफ एसी अपने को नहीं समझ में आए। सो दैट वॉज द ट्रेंड विद एवरीबडी इन दी होल ऑफ इंडिया। मेरी खुद की कल पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई, इसके लिए मैं इनफैक्ट वीडियो भी कल नहीं बना पाया बिकॉज आई वॉज जैप्ड डाउन विद कॉल्स एंड मैसेजेस। ओवरऑल पेपर का जो सेंटिमेंट है वो डिफिकल्ट वाला है, वो लेंथी वाला है, सो पेपर चेकिंग इजी होगा। सो काम डाउन योर नर्व्स, आने वाले 3 पेपर के ऊपर फोकस करो। देखो, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बोला था कि प्लीज फोकस ऑन द फर्स्ट 40 मार्क्स। इस पेपर में भी वो फर्स्ट 40 मार्क्स आपके पास थे। आने वाले 3 पेपर के लिए भी ये चीज ध्यान रखना, पहले 40 मार्क्स को प्लीज कवर अप कर लो। स्पेशली नवंबर 20 का SCMPE पेपर देख के थोड़ा अपन लोग लेट बैक हो गए थे कि चलो ना, SCMPE में तो अब इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में से ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। नंदलेस, आगे का अब अपने को सोचना है, जो हो गया वो हो गया है। इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके IDT के पेपर के बाद, बट फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन 3 पेपर्स विच आर लेफ्ट। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने जब मेरे FR का पेपर दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट पेपर था, आई कुड हार्डली अटेम्प्ट 72 मार्क्स। ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट था, ऐसा ही कुछ था, लेंथी था, डिफिकल्ट था, अनएक्सपेक्टेड था। 72 मार्क्स अटेम्प्ट किया, आई वॉज शॉक टू नो कि मेरे को उसमें 58 मार्क्स आया। यस, यू आर राइट, 58 मार्क्स। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ 58 मार्क्स जितना अच्छा मैंने पेपर नहीं लिखा था। बट कहां से आया? इंस्टीट्यूट का पेपर चेकिंग एंड थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, जो आपके और मेरे समझ के बाहर है। जब वो अपने समझ के बाहर है तो उस चीज पे सोचना नहीं है, आने वाले 3 पेपर के ऊपर अपने को फोकस करना है। ठीक है, चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हास्ता ला विस्ता, टेक केयर, थैंक यू सो मच।